ज्ञात है ये मंजर, जब घर चले पत्थर फेंके गए और करौली में जमकर बवाल हुआ था। कर्फ्यू लगा था और अब जिंदगी फिर पटरी पर लौट रही है, लेकिन करौली में सब कुछ इतना जल्दी सामान्य हो जाए ये भी संभव नहीं, क्योंकि बीजेपी अब करौली मामले पर सरकार को घेर रही है और बीजेपी के नेता करौली का दौरा कर रहे हैं। लेकिन इस दौरे के बीच कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि अगर करौली में धारा 144 तोड़ने की कोशिश की तो जेल में डाल दिया जाएगा। मंत्री की हैसियत से, मुख्यमंत्री जी की ओर से और सभी प्रशासन की ओर से ये बड़ा स्पष्ट रूप से कह देना चाहूंगा, 144 का उल्लंघन हम किसी हालत में नहीं होने देंगे। सरकार अपना काम करेगी और अगर इन्होंने दंगा फैलाने की कोशिश की या अनर्गल कुछ प्रचार करने की कोशिश की तो इनकी गिरफ्तारी भी होगी। करौली में जो हुआ उस जख्म के निशान अभी भी ताजा है, दुकान चली वो भी ताजा है और पलायन भी शुरू हुआ, लेकिन राजनीति जारी है। वहीं बीते दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ तेजस्वी सूर्या भी करौली पहुंचे थे, लेकिन अब आरोप है विश्वेंद्र सिंह का कि बीजेपी पर आरोप यह है कि जिन हमदर्दियों से मिलने तेजस्वी सूर्या आए थे वे खुद 5 सितारा होटल में रात भर पार्टी करते रहे। कहां तो गरीबों को देखने जा रहे थे और गरीबों को देखने जाने की बजाय आप 5 सितारा होटल में रुक गए और रात को 3 बजे तक पार्टी चली वहां, ये बड़े शर्म की बात है। ये बीजेपी का मकोटा आपको सामने आ गया। एक तरफ करौली हिंसा पर राजनीति है और दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने हिंसा में सब कुछ खो दिया। एक तरफ बीजेपी गहलोत सरकार को निशाने पर ले रही है तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ कहा था कि करौली हिंसा का जिम्मेदार गहलोत सरकार है। कांग्रेस गवर्नमेंट का और उनकी नाहली और नाकाराबंद से ही वो कम्युनल राइट हुआ जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी पोलराइजेशन हो रहा है, आपको लग रहा है बीजेपी कर रही है इसे? देखिए, सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जो गहलोत साहब सबक हासिल करेंगे, जो सबका में जो मुख्यमंत्री थे उसको कुरान करीम को जलाया गया, 10 मुसलमान पुलिस फायरिंग मारे गए और ऐसा लगता है कि वो माजी में जो हुआ उससे वो सबक हासिल नहीं किए, इन्हीं वजह से इन्हीं गलतियों से फसाद होता है और कृपा परस्ती बढ़ती। लेकिन सवाल ये भी है कि मामले पर राजनीति है लेकिन गुनाहगार अब तक पकड़ा नहीं गया है। पार्षद मतलूम अहमद आखिर कहाँ है जिसे पुलिस अब तक नहीं पकड़ सकी है? ऐसे में सवाल तो सरकार पर उठेंगे ही। क्या विश्वेंद्र सिंह ये कह सकते हैं कि वो पार्षद मतलूम अहमद की गिरफ्तारी करेगी, क्योंकि अब तक पार्षद पकड़ से दूर है? तो ऐसे में सवाल तो राजस्थान सरकार और राजस्थान के मुखिया पर उठेंगे ही।